ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, छठे भाव को छोड़कर। राहु और केतु का राशि परिवर्तन सेम ही समय पर होता है, क्योंकि एक समय पर एक ही दानव थे, फिर अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए इसीलिए इन दोनों का जो व्यक्तित्व है, इन दोनों का जो नेचर है, एकदम अलग है। इसलिए एक दूसरे से एक हमेशा समसप्तक रहते हैं, यानी कि 180 डिग्री के दूरी पर रहते हैं, क्योंकि राहु और केतु एकदम अलग नेचर वाले ग्रह हैं। जहाँ राहु बृहत है, जहाँ राहु एक्सपैंड करते हैं, राहु कहीं ना कहीं लालच है, वहीं केतु इसके एकदम विरुद्ध है, एकदम विपरीत है। केतु लालच से दूर करते हैं, केतु भोग से दूर करते हैं, केतु इच्छाओं से दूर करते हैं, केतु कहीं ना कहीं जीवन को सिकोड़ते हैं, जहाँ राहु जीवन को एक्सपैंड करते हैं। एकदम अलग व्यक्तित्व राहु और केतु का होता है, और केतु भी जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि जो व्यक्ति केतु के राशि परिवर्तन या दशा आने पर अपने आप को नहीं बदलता, तो कहीं ना कहीं केतु उनको बदल के रख देते हैं, क्योंकि केतु बदलाव के सबसे बड़े कारक हैं। केतु सूक्ष्मता है, केतु रिसर्च है, केतु बारीकियां हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के लग्न में केतु होता है ना, वो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहता है, वो कुछ ना कुछ हमेशा जानने का प्रयास करता है, क्योंकि केतु ज्ञान के कारक भी हैं और बारीकियों को समझने में केतु मदद करते हैं। इसलिए वैसे भी जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि केतु ही एक ग्रह है जो बारीकियों में, सूक्ष्मता में जाने में, के में जाने में व्यक्ति की मदद करता है। आजकल कोडिंग बहुत पॉपुलर एक करियर हो रहा है, और आने वाले टाइम में कोडिंग, डेटा, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, डेटा रिसर्च, इन सबसे संबंधित कार्य बहुत एक बड़ा करियर बनने जा रहे हैं। तो इन सब के कारक कहीं ना कहीं केतु ही है। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों के, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इन सब के कारक केतु ही हैं। तो केतु सूक्ष्मता है, ये सारी चीज़ों में बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। इसलिए केतु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित चीज़ों में, बारीकियों में जाना होता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों को समझना होता है, एनालाइज करना होता है, तभी केतु कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देंगे। केतु कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभ भी सकते हैं, लेकिन केतु झंडे की तरह भी दर्शाए जाते हैं। केतु का एक जो कारकत्व है वो झंडा है। अर्थ ये है कि यदि आपने केतु को समझ लिया, यदि आपने बारीकियों को समझ लिया उस केतु के राशि परिवर्तन को, और अपने जीवन में बदलाव ले आए, तो कहीं ना कहीं केतु आपके नाम का झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। लेकिन वहीं इसके विपरीत, यदि आपने केतु के राशि परिवर्तन से या केतु के आने वाले बदलावों को नहीं समझा, कुछ नहीं किया बदलाव अपने अंदर, तो केतु कहीं ना कहीं कांटे की तरह भी आपको चुभ सकते हैं। तो केतु बहुत तरह के बदलाव आपके जीवन में ला सकते हैं। केतु कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, ज्ञान के कारक है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केतु कहीं ना कहीं नॉलेज, कहीं ना कहीं विद्या के कारक है। विज्ञान और विद्या हमेशा मैं अलग करता कहता हूँ कि दोनों अलग चीज़ें होती हैं। जरूरी नहीं कि हर जो चीज़ विद्या है उसको विज्ञान के तराजू पर ही तोला जाए। तो विद्या के कारक कहीं ना कहीं केतु होते हैं। केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को आइसोलेट करते हैं। जहाँ राहु आरंभ है वहीं केतु अंत है। केतु कहीं ना कहीं मोक्ष के कारक है, और मोक्ष को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग मोक्ष की बातें करते हैं, कई लोग होते हैं मोक्ष एसी रूम में बैठकर, होटल्स में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और मोक्ष की बातें कर रहे होते हैं, और 2 घंटे भी एसी के बिना नहीं रह सकते। वो केवल मोक्ष की बातें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सच में मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ, अकेलेपन की तरफ लेके जाते हैं। जो व्यक्ति अकेलेपन में नहीं जी सकता, जो व्यक्ति अकेलेपन का आनंद नहीं उठा सकता, वो कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। और इसलिए जहाँ केतु मोक्ष के कारक हैं, वहीं केतु अंत के भी कारक है। कई चीज़ों का अंत भी करते हैं और अंत से ही आरंभ भी होता है। तो केतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, लेकिन पुनः मैं कहूँगा केतु बारीकियों के ग्रह हैं, केतु डिटेल्स के ग्रह हैं, केतु बदलाव के ग्रह हैं। तो जो व्यक्ति केतु के आ रहे बदलावों को नहीं समझ पाया, केतु अवश्य उनको कांटे की तरह चुभेंगे, लेकिन यही केतु अगर आप उनको समझ पाए
तो आपको कहीं ना कहीं आपका नाम झंडे की तरह बुलंद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव रहेगा वृषभ के लिए। आपकी यदि लग्न राशि है वृषभ या आपकी चंद्र राशि वृषभ है, दोनों के लिए ही राशिफल यही रहेगा, अलग अलग नहीं बन सकते टेक्निकली, बहुत बार समझाने का प्रयास कर दिया है। तो लग्न राशि आपकी या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों के लिए ही राशिफल यही रहेगा, दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही राहु केतु पंचम में ही गोचर करने वाले हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसके करने से केतु महाराज के इस गोचर की सकारात्मकता में वृद्धि होगी और नकारात्मकता में कमी अवश्य आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का देखिए केतु आपके लिए पंचम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। यहाँ पर थे 1.5 साल से, अब पंचम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। केतु का पंचम भाव में आना बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। एक चीज़ है कि केतु पंचम में आकर व्यक्ति को कन्फ्यूज्ड बहुत करते हैं, भ्रमित बहुत करते हैं, द्वंद्व में डाल देते हैं। इसके सबसे बड़ा कारण यह है कि जहाँ केतु धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं, व्यक्ति को वैराग्य की तरफ भी लेके जाते हैं, व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ, आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं, वहीं सेम टाइम पर राहु यहाँ पर आ जाते हैं, राहु आपके इच्छाओं के स्थान पर आ जाते हैं। तो ये 1.5 साल कहीं ना कहीं आप द्वंद्व में ही रहेंगे कि क्या मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूँ या फिर इन सब चीज़ों को छोड़कर वैराग्य की तरफ बढ़ूँ, इन सब चीज़ों को छोड़कर अध्यात्म की तरफ बढ़ूँ। तो ये जो तभी राहु केतु को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऑपोजिट रिजल्ट देते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उनका एक ही समय पर प्रभाव होता है। तो जब एक जगह पर केतु आ रहे हैं और यहाँ पर बैठकर जब वो त्रिकोण में लग्न को भी देखेंगे और अपने आप में जो पंचम भाव है वो धर्म का स्थान भी है, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं, तो व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति अवश्य बढ़ेगी। केतु व्यक्ति को अकेले रहने पर मजबूर कर देते हैं और व्यक्ति को अकेला रहना पसंद आता है, स्पेशली अगर लग्न पर प्रभाव हो तो। लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे मैंने कहा राहु आपके लाभ स्थान में आएंगे, तो व्यक्ति को आपको जो व्यक्ति को इच्छाओं के प्रति थोड़ा सा आकर्षित भी करता है। तो जो अगला 1.5 साल है, सबसे पहले तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, आप एक द्वंद्व की स्थिति में रहेंगे कि क्या भौतिकता की तरफ भागूं या फिर कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भागूं। इसलिए केतु का पंचम में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को कंफ्यूज करता है, और ये जो स्थान है ये कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस का भी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक कंफ्यूजन, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वैसे बात करें, शास्त्र कहते हैं कि राहु और केतु केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण भावों में राजयोग का काम करते हैं। क्योंकि कारण इसका यही है कि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राहु और केतु की कोई राशियाँ नहीं होती, कुछ बाद में जो शास्त्र हैं उनने कहा है कि इनकी कोई राशियाँ हैं, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि इनकी कोई अपनी राशियाँ नहीं होती। इसलिए जिस भाव में जाते हैं उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं, उस भाव के स्वामी की तरह रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए राहु केतु को केंद्र और त्रिकोण में राजयोगकारी ग्रह कहा गया है। तो पंचम भाव में जब केतु आएंगे तो वो राजयोग का फल देंगे। अब जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ भी अगर आप केतु के कारण प्राप्त करेंगे तो बदलावों के साथ ही होगा। देखिए राहु एक और भौतिक सुख की कोई कमी रखते ही नहीं है, राहु कहीं ना कहीं भौतिक सुख बहुत आराम से दे देते हैं। व्यक्ति जितना एंटिसिपेट नहीं करता, जितना एक्सपेक्ट नहीं करता, उससे ज़्यादा राहु देते हैं। इसलिए जिन लोगों के जीवन रातों रात बदलता है राहु ही बदलते हैं। लेकिन केतु कहीं ना कहीं धन भी आपको दे सकते हैं, ऐश्वर्य भी दे सकते हैं, लेकिन वो तभी देंगे जब आप चीज़ों में बदलाव लाएंगे, अपने अंदर बदलाव लाएंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा केतु सूक्ष्मता है, केतु रिसर्च है, तो लक्ष्मी स्थान में जब केतु आएंगे, राजयोग बनाएंगे, तो आपके घर में लक्ष्मी तभी आएगी जब आपने कुछ रिसर्च करना शुरू करा, आपने अपने आप में बदलाव लाना शुरू करा, आपने कुछ नया सीखने का प्रयास किया, आपने ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। केतु ज्ञान के कारक हैं, तो यदि आप अगले 1.5 साल में अपने आप को अपग्रेड कर पाए, अपने आप को नया बना पाए, कुछ नया सीख पाए, कुछ नई नॉलेज गेन कर पाए, कोई नई टेक्निक सीख पाए, कोई नई टेक्नोलॉजी सीख पाए, कोई नया कोर्स कर पाए, तो यकीन मानिए ये केतु आपको हर जगह पर अच्छा प्रभाव देंगे, धन की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो। जैसा मैंने शुरू में कहा था, या तो कांटे की तरह चुभते हैं या फिर आपके नाम का झंडा बुलंद कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ नया रिसर्च करना शुरू कर दिया, कुछ नया सीखना शुरू कर दिया, ये ज्ञान के कारक हैं, ये विद्याओं के कारक हैं, ये एनालिसिस के कारक हैं। कोई भी व्यक्ति रिसर्चर या बड़ा एनालिस्ट बन ही नहीं सकता अगर केतु का प्रभाव ना हो। तो आपने आपको बदलना शुरू कर दिया, ये केतु
पंचम भाव में बैठकर उसका स्वामित्व लेकर आपको लक्ष्मी दे सकते हैं, आपको धन दे सकते हैं। लेकिन वही अगर आप केवल वीडियो को सुन के रह गए और कुछ बदलाव नहीं आया, अपने जीवन में नहीं ला पाए, तो ये केतु आपको कुछ भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि आपके जीवन में कांटे की तरह चुभना शुरू कर देंगे। तो केतु, जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल पे भी लिखा है कि बदल जाइए वरना केतु बदल देंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आप केतु के साथ अपने नाम का झंडा बुलंद करवाना चाहते हैं या उनको अपने जीवन में कांटे की तरह चुभ जाना देना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि जो पंचम भाव है ये धर्म त्रिकोण होता है। अब धर्म के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि जो पूजा पाठ होता है, एक धर्म का अर्थ होता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अब केतु पंचम भाव में आकर कहीं ना कहीं व्यक्ति को धर्म के प्रति लेके जाते हैं। व्यक्ति का पूजा पाठ में मन लगता है, व्यक्ति का अध्यात्म में मन लगता है, व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी में मन करता है व्यक्ति शास्त्र पढ़ना शुरू कर देता है, व्यक्ति तंत्र मंत्र शास्त्र यंत्र शास्त्र जो भी विद्याएं हैं, बहुत तरह की विद्याएं हमारे देश में है, सनातन धर्म में है, विद्याओं की कोई कमी नहीं है। ज्योतिष एक विद्या है, तंत्र मंत्र एक विद्या है, आयुर्वेद एक विद्या है, कई प्रकार की विद्याएं हैं। तो व्यक्ति इनमें से किसी ना किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होता है। लेकिन जो ड्यूटीज़ होती हैं, यहाँ पर जब केतु आते हैं तो व्यक्ति को अपनी जो भौतिक ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनसे दूर करना शुरू कर दे। तभी केतु पंचम में कहीं ना कहीं व्यक्ति को वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं। उसको जो अपनी ड्यूटीज़ होती हैं उनसे दुश्मनी सी होने लग जाती है। वो आपका काम हो, आपके संबंध हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके पति पत्नी हो, बच्चे हो, सबसे व्यक्ति कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो जाता है। उनको वो ड्यूटीज़ चुभने लग जाती हैं। अब जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे कई लोगों के प्रति कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, माँ बाप के प्रति हो, पति पत्नी के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, समाज के प्रति हो। लेकिन केतु पंचम में आकर व्यक्ति को इन सब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि केतु का पंचम में आना व्यक्ति को कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ लेके जाता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, वैराग्य और आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ में बुरा भी है। अच्छा किस चीज़ में है? जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, कंप्यूटर्स बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन केतु कहीं ना कहीं ब्रेक इन स्टडीज़ का कारक भी बन जाते हैं। तो जिन बच्चों के इस समय दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, पीड़ित चंद्रमा की है, राहु की है, बुध की है, किसी वक्री ग्रह की है, तो उनके ब्रेक इन स्टडीज़ भी आ सकती है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा संभल के रहना है। अगर आपके बच्चों की ये लग्न या राशि है तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अदरवाइज केतु कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अच्छा प्रभाव देंगे। जैसा मैंने कहा, जो डेटा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर्स रिसर्च इनसे जुड़ा कुछ भी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। केतु बदलाव भी लाते हैं, तो कभी कभी होता है स्टूडेंट्स अपने स्ट्रीम बदलना चाहता है, वो एक चीज़ पढ़ रहे थे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, उनको ज़्यादा ऑप्शंस अच्छे नहीं लगे, तो वो बदलाव लाने के लिए भी केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। कई स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम भी, वृषभ वाले कई स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम भी आने वाले समय में स्टडी के संबंध में बदलने वाले हैं। पंचम भाव रोमांस रिलेशनशिप का भी कारक होता है। अब यहाँ पर केतु आकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देने वाले हैं। जिनका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा होगा उनके रिलेशनशिप में भी केतु महाराज आकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कई लोगों का ब्रेकअप भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे। इसके साथ ही देखिए, राहु जो है ना, वो जो उनकी इच्छाएं होती है बहुत स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं। केतु हिडन डिजायर्स होते हैं, केतु छुपा के रखते हैं, तो कई लोग रिलेशनशिप चलते हुए भी ना उनके सेकेंड रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएंगे या फिर मल्टी रिलेशनशिप में वो लोग पढ़ सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि उनकी संतुष्टि नहीं होती एक रिलेशनशिप से तो एक टाइम पर मल्टीपल डेटिंग करते हैं, तो ऐसा भी कई लोगों के साथ होने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि केतु रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेंगे, कहीं ना कहीं इसी कारण से आपके करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये जो स्थान होता है ये संतान प्राप्ति का होता है। अब यहाँ पर भी केतु दो तरह के प्रभाव देंगे। एक, जो महिलाएं गर्भवती हैं इस टाइम में थोड़ा सा उनको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर आकर संतान प्राप्ति में बाधाएं लाते हैं, संतान प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं या गर्भ धारण करने के बारे में सोच रही हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली शुरुआती 5-6 महीने। देखिए, केतु 1.5 साल में रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 1.5 साल आप गर्भ धारण कर ही नहीं सकते, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी ग्रह जब
एक राशि में आता है तो सबसे ज्यादा अपना प्रभाव देता है। और केतु कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे नहीं है, तो जो महिलाएं एक्सपेक्ट कर रही हैं, कंसीव करना चाहती हैं, ऑलरेडी गर्भधारण किया हुआ है, उनको नवंबर से लेकर एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। जितने भी डॉक्टर्स या आपके आसपास के लोग प्रिकॉशंस बोलते हैं उन सबको अवश्य लीजिएगा। अब ये अच्छा किसके लिए हो सकता है, देखिए जैमिनी ज्योतिष है एक, उसमें वैसे तो संतान के जो कारक हैं बृहस्पति हैं, लेकिन जैमिनी ज्योतिष में कहीं कहीं केतु को संतान का कारक बताया गया है। अब वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, कहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो सकता है, जो लोग नॉर्मल कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनको बहुत बाधाएं आ रही थी। आजकल ऐसा हो गया कि लेट मैरिजेस होती हैं, ठीक है पुरुषों के लिए तो कहीं ना कहीं उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन महिलाएं जो ऑब्वियसली अगर पढ़ती हैं लिखती हैं तो उनको करियर भी बनाना ही चाहिए, अच्छा भी होता है, लेकिन बायोलॉजिकल एज कहीं ना कहीं वापस नहीं आती। तो इसीलिए यूजली क्या होता है, कपल्स को थोड़ा सा कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। तो वह कपल जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम कंसीविंग में आ रही थी केतु के कारण, यानी कि किसी मेडिकल प्रोसीजर के कारण के साथ, मेडिकल प्रोसीजर के साथ वो गर्भ धारण कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, IVF है, कई चीज़ें हैं, तो उनके थ्रू वह कपल जो नेचुरल कंसीविंग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, उनके लिए ये केतु कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन जिनकी कंसीविंग हो चुकी है, नेचुरल कंसीविंग हो चुकी है, उनके लिए थोड़ा सा बुरा प्रभाव यहाँ पर दे सकते हैं। तो केतु कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों में भी कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ये जो पंचम भाव है ये पनफरा स्थान भी है। पनफरा स्थान होते हैं 2, 5, 8 और 11। ये वो स्थान होते हैं जब व्यक्ति को, जहाँ से व्यक्ति को अचानक से धन मिलता है। और केतु कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारक हैं, केतु कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों के कारक हैं। तो एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है और अनएक्सपेक्टेड पैसा आ सकता है। कभी कभी होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसके उसका कोई धन का सोर्स है, कोई इनकम का सोर्स है। कई बार ऐसा होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, अब गाँव जाते हुए पता चलता है कि एक और प्रॉपर्टी निकल आई, या कुछ ना कुछ होता है, कोई शेयर लेके रखे थे, कुछ और लेके रखा हुआ था। यानी कि जिस धन से आप अज्ञात नहीं थे वहाँ से आपको, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, वसीयत आदि से आपको अचानक से इस 1.5 वर्ष में धन प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक तरह से आपके लिए अच्छी चीज़ है। ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, और ज्ञान वो किताबी ज्ञान नहीं होता, केतु आपको रियल ज्ञान देते हैं। और रियल ज्ञान व्यक्ति के पास तभी आता है, असली ज्ञान व्यक्ति के पास तभी आता है जब उसको दुख मिलता है। बिना दुख के ज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम खुश होते हैं हमें ज्ञान क्या क्या, हमें उस टाइम पे ज्ञान की क्या पड़ी होती है, हम तो अपना जीवन एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब दुख आता है तभी ज्ञान आता है, और जब दुख आता है तभी ज्योतिष समझ आती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो ज्योतिषियों को गाली देते थे, ज्योतिषियों को बुरा भला कहते थे, लेकिन जब समय आता है ना तो वो केतु हो या राहु हो या साढ़े साथी हो या कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं उनको बता देती है कि हाँ भाई ज्योतिष कुछ ना कुछ चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना दुख के ना ज्ञान आता है, ना बिना दुख के ज्योतिष आती है। तो ये वो समय है जब व्यक्ति के पास ज्ञान आता है, और केतु कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूमिका लिख देते हैं कि केतु के राशि परिवर्तन से पहले जीवन में कोई ना कोई बड़ा दुख हो जाता है। वृषभ वालों के साथ रिसेंटली पिछले 5-6 महीनों में कोई ना कोई बड़ी घटना, बड़ा दुख उनके पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी तरह से हो जाता है। इसलिए जब केतु पंचम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति दुख से निकलता है तो उसके लिए वैराग्य की तरफ जाना, आइसोलेशन की तरफ जाना, अकेलेपन की तरफ जाना, ज्ञान की तरफ जाना आसान हो जाता है। तो केतु ऑलरेडी अपना कुछ ना कुछ प्रभाव आपके जीवन में कोई दुख के स्वरूप में, हो सकता है किसी अपने से दूरी आ गई हो, अपने के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, जिसके कारण एक आपके केतु यहाँ पे जब पंचम में आते हैं तो आपके जीवन में एक मोक्ष का रास्ता, एक योग का रास्ता, एक अध्यात्म का रास्ता खोल देते हैं। शास्त्र एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं कि पंचम का केतु व्यक्ति को वीर्यवान बनाता है। अब वीर्यवान के कई अर्थ निकल सकते हैं, एक तो हम ब्रह्मचार्य की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मचार्य भी केवल यही नहीं होता कि आपने इंटरकोर्स नहीं किया और वीर्य का आपने वीर्य को संचित कर लिया, केवल वो ब्रह्मचार्य नहीं होता, ब्रह्म आचरण ब्रह्मचर्य होता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है, और उसके कारण भी जब व्यक्ति के अंदर कंट्रोल होता है, फिर जब हम आयुर्वेद की बात करें तो अलग अलग धातु बनते हैं, तो धातु जब सप्त धातु बनते हैं तो अंत में वीर्य बनता है, फिर वीर्य से ओज बनता है, यानी कि व्यक्ति, और जब ओज बनता है तभी व्यक्ति अध्यात्म की तरफ, और तभी व्यक्ति कहीं ना कहीं ये जो सारी विद्याएं हैं उनकी तरफ जाता है। तो व्यक्ति को वीर्यवान बनाते हैं केतु पंचम में आकर, और उसके ज्ञान में वृद्धि अवश्य करते हैं। हाँ, केतु पंचम के व्यक्ति के अपने संतान से भी संबंध खराब करते हैं। आप देखेंगे कि आपके अपने संतान से संबंध खराब हो रहे हैं, कई लोगों की संतान उनसे दूर रहना शुरू कर देंगी, और साथ ही में केतु कहीं ना कहीं संतान को सेहत की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, यानी कि आपकी संतान की को सेहत की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और केतु सर्जरी के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले 1.5 साल में हो सकता है किसी कारणवश आपके संतान को कोई छोटी मोटी सर्जरी भी करानी पड़े, तो ये प्रभाव केतु के पंचम भाव में आने से हो सकते हैं। ये जो पंचम भाव है ये चौथे भाव से दूसरा है, यानी कि फैमिली से दूर जाना शुरू कर देंगे। केतु पंचम में आते हैं तो व्यक्ति अपनी फैमिली से दूर जाना शुरू करता है, उसके अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़े होते हैं सच में। शस्त्र कहते हैं कि शस्त्रों का प्रयोग होता है भाई बहनों के बीच में। अब आज के टाइम में कौन शस्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन बात यह होती है कि अपने भाई बहनों से, अपने निकटतम लोगों से व्यक्ति दूर जाना शुरू कर देता है। ये जो भाव है पंचम, ये सप्तम भाव से 11वां है, तो अपने पति और पत्नी से भी व्यक्ति का जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है वो भी दूर हो जाता है, बस नाम का एक कनेक्शन रह जाता है। तो इस तरह के प्रभाव भी केतु महाराज यहाँ पर आपको आके आपको दे सकते हैं। केतु की दृष्टि है या नहीं, ये ज्योतिष का एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेरा हमेशा से मानना है कि, और कई शास्त्र भी इसको इससे सहमत हैं, कई शास्त्र ये कहते हैं कि हाँ, केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम और नवम भाव पर प्रभाव डालते हैं, तो कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि उसको कह सकते हैं। तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके नवम भाव पर, यानी कि भाग्य स्थान पर। अब देखिए केतु क्या है ना, कि केतु कभी कभी चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स लाते हैं, तो भाग्य का उतना साथ मिलेगा नहीं अनटिल अनलेस आपने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया। तो मैंने शुरुआत ही इसलिए इस चीज़ के साथ कही थी कि अपने आप में बदलाव लाइएगा, तभी केतु आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। लेकिन ये भी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पर केतु की दृष्टि है, और जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपके पिताजी की सेहत के लिए, क्योंकि ये पिताजी का स्थान है, केतु का यहाँ पे प्रभाव है, तो आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है आपके पिताजी को भी आने वाले समय में एक कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी करानी पड़ जाए। केतु का जो सप्तम प्रभाव है वो 11वें घर पर है। ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करेगा। ये हमेशा आपको कहीं ना कंफ्यूज रखेगा कि भौतिकता की तरफ जाएं या अध्यात्म की तरफ जाएं। और ये भी कहीं ना कहीं आपके अपने भाई बहनों से संबंध बिगाड़ने वाले हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी के कारण ही भाई बहनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। केतु की जो सबसे स्ट्रांग प्रभाव होने वाला है वो लग्न पर दृष्टि होने वाली है। जो भी मैंने चीज़ें कही कि वैराग्य, अध्यात्म, अकेलापन, ये सब और प्रबल हो जाएगा क्योंकि केतु की नवम दृष्टि लग्न पर होगी, और यहाँ से व्यक्ति के जीवन में कई चीज़ों का अंत होता है। राहु आरंभ करते हैं, केतु अंत करते हैं, और अंत किसका करेंगे, आपके जीवन में ऐसे लोगों का जो आपके जीवन को अध्यात्म से आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ऐसी चीज़ों का अंत करेंगे जो आपको अध्यात्म पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो केतु का प्रभाव लग्न पर आपके जीवन में अध्यात्म को बहुत तेज गति से लेकर आने वाला है। जैसा मैंने कहा, ऑलरेडी वो प्रभाव दिख जाता है। वृषभ के लिए पिछले 5-6 महीनों में कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ ऐसा घटा होगा जो उनको भौतिकता से दूर करता है, और अब वो व्यक्ति जैसे ही केतु पंचम में आएंगे वो अध्यात्म की तरफ अवश्य अवश्य जाना शुरू करता है। चिंताजनक बात ये होती है कि केतु रोग कारक है, अनकंडीशनल रोग कारक है। केवल यहाँ पर और यहाँ पर बैठकर वो रोग कारक नहीं बनते, यानी कि 6ठे और 3रे घर में, अन्यथा वो रोग कारक है, अनकंडीशनल रोग कारक है। तो जब वो लग्न भाव को देखेंगे आपको कई प्रकार के रोग देने वाले हैं। तो वृषभ वाले अपनी सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही एक अच्छी चीज़ केतु की ये होती है कि वो व्यक्ति को ग्रेस देते हैं। आपके
अंदर बहुत बड़े बदलाव आना शुरू हो जाएंगे और हर चीज़ को आप बहुत ग्रेसफुली हैंडल करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं केतु मौनता के कारक यानी कि व्यक्ति थोड़ा कम बोलना शुरू करता है, तो अगर केतु का दूसरे या इस स्थान पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति थोड़ा कम बोलना शुरू कर देता है और ये भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ होती है। व्यक्ति अपने आप को समझना शुरू करता है। अभी क्या है ना कि हम दूसरों को समझने में इतना टाइम देते हैं कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को समझते नहीं है, लेकिन एक केतु का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अपने आप को समझना शुरू कर देता है, व्यक्ति अपने आप में डूब जाता है और जो व्यक्ति अपने आप में डूब जाता है वही अपने जीवन को आगे लेकर जाता है क्योंकि उसको अपनी कमियां दिखने लग जाती हैं। हम अपनी कमियां कहाँ देखते हैं? आप किसी को बोलिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कमियां निकाली हैं, 20-25-30 एकदम मुंह पे होती है, अपने बारे में बोल दीजिए नहीं, अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो ग्रहों ने किया, अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। तो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं ढूंढता, लेकिन ये वो केतु का समय होता है जब व्यक्ति अपने आप को समझना शुरू कर देता है, व्यक्ति अपनी गलतियां अपनी कमियां निकालना शुरू कर देता है और जो व्यक्ति अपनी कमियों पर काम करता है वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। एक केतु का प्रभाव पंचम में और लग्न पर प्रभाव से ये होता है कि व्यक्ति को फोबिया हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार का फोबिया व्यक्ति को डेवलप होता है। कई लोगों को पानी का डर या पानी में डूबने का डर उत्पन्न हो जाता है। वैसे भी किसी के अगर केतु पंचम में है लग्न में है या पंचम में है, उनको कोई ना कोई फोबिया होता है और अभी भी ये होगा कि आपको फोबिया होना शुरू हो जाएगा, पानी का, हाइट्स का, आग का, किसी ना किसी प्रकार का फोबिया हो जाएगा। कई लोगों को OCD की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ ही केतु का जब लग्न पर प्रभाव होता है व्यक्ति कई बार कंफ्यूज्ड बहुत रहता है, वो बहुत बुरे प्रकार के निर्णय भी ले सकता है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा डरना बच के रहना है। हाँ, हेलुसिनेशन होती है, अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ये वो समय है जब व्यक्ति को कई प्रकार की हेलुसिनेशंस भी हो सकती है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। तो ओवरऑल आपको केतु बहुत मिश्रित प्रकार के प्रभाव या फल देने वाले हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके लिए मिश्रित प्रभाव होगा। जो लोग जॉब करते हैं ना उनको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि केतु बदलाव के कारक है, लेकिन केतु दसवें भाव से अष्टम में आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपकी दशा अंतरदशा इस टाइम अच्छी नहीं है तो जॉब जाने के भी चांसेस बन सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। जब समय अच्छा नहीं चल रहा होता तो पता चलना शुरू हो जाता है क्योंकि अधिकतम काम अटकते हैं, अगर दशा अंतरदशा ना भी देखे तो हमें पता होता है कि हमारा समय कैसा चल रहा है। तो अगर समय अच्छा नहीं चल रहा तो संभल के रहिएगा क्योंकि केतु के राशि परिवर्तन से अचानक से आपकी जॉब जा भी सकती है। और दूसरा, क्योंकि केतु दसवें से अष्टम में है तो जो लोग जॉब करते हैं अपने आप को टेक्निकली एडवांस कीजिएगा, कोई नया कोर्स कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे फल तभी मिलेंगे। अचानक से बदलाव आने के, वो भले अच्छे हों या बुरे, केतु यहाँ पर आकर आपके लिए जो वो फल है वो अवश्य दे सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि केतु सप्तम से लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, थोड़ा कंप्यूटर्स का यूज़ शुरू कर दिया, टेक्निकल जो नॉलेज है उसका यूज़ शुरू कर दिया अपने जीवन में, उनके लिए तो ये जो समय है, जो लोग बिजनेस करते हैं जैसा मैंने कहा वो अपने बिजनेस के नाम का झंडा बुलंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी बदलाव नहीं किया, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दिया तो कहीं ना कहीं केतु यहाँ पर आकर आपके बिजनेस को थोड़ा सा रोक भी सकते हैं, केतु ऑब्स्टिकल्स भी देते हैं। तभी मैंने शुरुआत ही ऐसे कही थी कि जो बदलाव नहीं ला पाया उसको केतु बदल के रख देंगे, लेकिन जो बदलाव लेके आया कहीं ना कहीं केतु उसको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। ये जो केतु है वो धुएं के कारक हैं, तभी मैंने शुरुआत ही ऐसे की थी कि व्यक्ति बहुत ये मिश्रित प्रभाव देंगे। जब धुएं के कारक पंचम भाव में हो जाएंगे तो आप कई चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। जो मैंने हेलुसिनेशन वाली बात करी, जो मैंने फोबिया वाली बात करी, वो आपके जीवन पे बहुत प्रभाव डालने वाला है। तो ओवरऑल देखें केतु आपके लिए मिश्रित प्रकार के फल दे रहे हैं। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि केतु रोग कारक हैं, कई प्रकार के रोग आपको आने वाले टाइम में तंग कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से विश्लेषण केतु के कारण आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए केतु महाराज का जो गोचर है 1.5 साल का होता है तो उपाय थोड़े से बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं। जिसके मन में विश्वास हो वही उपाय कीजिएगा और उपाय कीजिएगा तो विश्वास से कीजिएगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, देखिए अगर कोई मंत्र आदि जो मैं बताता हूँ या दान पुण्य है वो कर लीजिएगा। मंदिर आदि जाना थोड़ा सा कई कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं होता तो वो रहने दीजिएगा, या घर में रहकर जितना आपसे होता उतना कीजिएगा।
पहला उपाय आपको गणपति जी का करना है, 3 बुधवार आपको गणपति जी का दूध से अभिषेक करना है, उनको मोदक या लड्डुओं का भोग लगाना है और इसके साथ ही 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। ये करने के बाद आपको ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 3 बुधवार आपको करना है। दूसरा उपाय यह है कि आपको 3 बुधवार पशुओं की सेवा करनी है। वो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे भी आपको आए, आपके बस में हो, आपके क्षमता में हो, उस प्रकार से पशुओं की सेवा करनी है। तीसरा उपाय आपको 3 बुधवार शिवलिंग का चंदन से विलेपन करना है, यानी कि शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन लगाना है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके मंदिर में चावल और गुड़ इनका दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, कब से करना है, जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपको केतु महाराज अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।